पिछले दो दिनों से बिहार की राजधानी पटना के परिबहोर इलाके को सब्जी बाग इलाके के लोगों ने घेर कर रखा है। और कारण क्या है, चूंकि परिबहोर पुलिस ने जब कुछ अपराधियों को गिरफ्तार किया तो भीड़ ने उस अपराधी को छुड़ा लिया, इतना ही नहीं तो पुलिसकर्मी पर हमला करके घायल कर दिया। और कल वहाँ के जो एक नेता है अनवर अहमद, जो राज्यपाल के कोटे से लालू यादव द्वारा MLC के नाते मनोनीत किए गए थे और जो बिहार अवामी कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं, जिनका काम था कि लालू के काले धन को सफ़ेद करना, वो अनवर अहमद स्वयं जाते हैं थाने पर, पुलिसकर्मियों को गाली गलौज करते हैं और उनका बेटा असफर अहमद वो जाता है और पुलिसकर्मियों को कहता है कि वर्दी उतार लेंगे और अनवर अहमद को पुलिस छोड़ देती है। असफर अहमद को भी पुलिस इतनी डरी हुई कि दूसरे थाने भेज देती है। यह हाल तो पटने का है। नीतीश जी आप कहते जनता का राज, यही जनता का राज है। कार्तिकेय सिंह फरार कहते जनता का राज है। एक संतोष कुमार खनन के कार्यालय में जाकर हमला गाली गलौज करता है, धमकी देता है और कहते जनता का राज है। अनवर अहमद को थाने से छोड़ दिया जाता है, क्या यही जनता का राज है? असफर अहमद को दूसरे थाने में ट्रांसफर कर दिया गया। अगर हिम्मत है नीतीश जी, जनता का राज है तो अनवर अहमद को गिरफ्तार करके दिखाएं। राज्य से जुड़े अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि अब उनको किसी बात का डर नहीं कि उनको लगता है कि अब तो हमारी सरकार है बिहार की। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने नीतीश कुमार, RJD और सिस्टम पर हमला बोला है। दो दिन से चल रहे पीरबहोर थाने में बवाल को लेकर सुशील मोदी ने कहा है कि पुलिस थाने में घुसकर 500 लोगों की भीड़ ने पुलिस की पिटाई कर दी, वर्दी फाड़ने की धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं, घंटों पुलिसकर्मी का घेराव किया जाता है। अनवर अहमद कौन है? ये वही है जो बिहार कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन थे। जो RJD से जुड़े हुए लोग हैं उनका मन बढ़ गया है, उनको लगता है अब हमारी सरकार बन गई है, नीतीश कुमार में हिम्मत नहीं कि कार्रवाई करे। सुशील मोदी का कहना था कि अनवर अहमद लालू यादव की काले धन को सफेद करते थे। अनवर अहमद को राज्यपाल कोटे से लालू यादव ने MLC बनाया था, उनके घर में वो खाना बनाते थे। पुलिस को हिम्मत नहीं है कि वो अनवर अहमद को गिरफ्तार कर सके। सुशील मोदी का कहना था कि जब अनवर अहमद थाना गए तो पुलिस ने उन्हें क्यों छोड़ दिया, उन्होंने भी गाली गलौज की लेकिन उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई। अनवर अहमद की बेटी को लेकर सुशील मोदी का कहना था कि पुलिस ने गिरफ्तार किया है लेकिन चालान भी करेगी तो मामूली धारा में, ताकि कल को बेल आसानी से मिल जाए। यही तो जनता का राज है। पूर्व मंत्री कार्तिक सिंह फरार है, रीतलाल यादव के गुर्गे बालू खनन मामले में पिटाई करते हैं। नीतीश कुमार बताएं कि जनता राज है या जंगल राज। सुशील मोदी का कहना था कि कार्तिकेय सिंह, संतोष कुमार, अनवर अहमद ये सभी RJD के ही नेता हैं। नीतीश कुमार को हिम्मत नहीं है, अगर हिम्मत है, जनता का राज है तो अनवर अहमद को गिरफ्तार करवाएं। सुशील मोदी ने कहा कि मैं पिछले 40 साल से पटना में रह रहा हूँ, मैंने ऐसा नहीं देखा कि भीड़ थाने में घुस जाए और ऐसे गाली गलौज करके पुलिस की वर्दी फाड़ने की धमकी दे। डर के मारे अनवर अहमद के बेटे को दूसरे थाने में शिफ्ट किया गया। ये पूरा इलाका RJD का गढ़ है। नीतीश कुमार चाहे कितनी भी जनता राज की बात कर ले, लेकिन वो इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। वीडियो डेस्क, amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।